अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल काशास किचन के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है ढाबा भिंडी। अच्छा, इसके लिए तकरीबन हमने 1 किलो के करीब भिंडियाँ ले ली, जिसे हमने अच्छी तरीके से पहले धोए। धोने के बाद थोड़ा सा उसे छन्नी में फैला दें, खुश कर लें, और फिर जो है हम उसे काट लेंगे। अच्छा, साथ ही तकरीबन हमने 1.5 पाव के करीब प्याज लिए, उसको भी काट लिया है। और 1.5 पाव ही आप टमाटर लेंगे, प्याज और टमाटर बराबर लेंगे। 5 से 6 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, उसके साथ हमने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं। उसमें हमने 1 चमचा भर के, यही वाला जो हमारे हाथ में है, हमने नमक लिया है। 1 चमचा हमने कुटी मिर्चें और पिसी मिर्चें दोनों मिक्स ली हैं। 1 चमचा हमने जीरा लिया है, और आधे से थोड़ा कम चमचा जो है हमने हल्दी ली है। 1, 2, 3, 4, ये 4 बेसिक मसाले हैं जो इसमें डालेंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 2 चमचे भर। अच्छा, एग्जाम की जैसे मैंने वीडियो बंद कर दी थी, लेकिन हमने 2 चमचे भर के तेल डाला और उसके अंदर हमने ये प्याज डाल दी है। इसे हम इतना भूनेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हमें इसमें भिंडी डाल के भूनना है। तो 10 मिनट मैंने भूना है। इसके बाद जो है हम इसमें 1 चमचा अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्ची और नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, अभी जीरा और ये मिर्ची अभी मैं नहीं डाल। टमाटर सख्त होते हैं, इसलिए मैंने पानी डाला है ताकि टमाटर जो है थोड़े से इसमें गल जाए। भिंडी तो हमारी दम पर गल ही जाएगी, आजकल टमाटर का बहुत इश्यू चल रहा है। मैं इसको 10 से 15 मिनट बाद चेक करूँगी। काफी हद तक जो है ये टमाटर हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर मिर्च डाल देंगे, क्योंकि पहले से अगर मैं मिर्च डाल देती ना तो बहुत ज्यादा लग जाए। और साथ ही जो है ये हम तकरीबन 1.5 पाव के करीब है ये मेरा। नमक मिर्च अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। बस अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी और फिर इसके बाद हम इसको भून के लिए तैयार है। इसकी झटपट से भिंडी तैयार है। आप लोग ये भिंडी जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी ये। अच्छा, अब हम जब दम लगाएंगे तो हम जो है इसके साथ ही हम ना तवा लगा देंगे ताकि हमारी भिंडी जो है लग जाए। क्योंकि हम दम पे रख रहे हैं तो हम इसमें तवा लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे दम पे लगाइएगा। तो
माशाल्लाह से देखिए। मज़ेदार सी हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है और आप आज रात खाने में यही भिंडी बनाइएगा, लेकिन आपको पसंद आएगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।